World Cup champions of 1999. What a victory for the Geelongians. A fantastic effort. वेलकम बैक ऑन द मैच पॉइंट। जैसा कि आप सबसे वादा किया था कि मैच पॉइंट की टीम जो है एक दफा फिर आपके साथ होगी सून व्हेन द पीएसएल 7 विल बी हिटिंग इनटू द फाइनल राउंड्स, आई मीन द क्वालिफायर्स, एलिमिनेटर्स एंड द टर्मिनेटर, मींस द एलिमिनेटर 2 एंड द ग्रैंड फिनाले। चार टीमें जो है उन्होंने रुख किया है एलिमिनेटर्स और क्वालिफायर्स का। जो टॉप टीम्स है इस वक्त वो मोहम्मद रिजवान की शानदार टीम मुल्तान सुल्तान जो है वो सबसे टॉप के ऊपर है, और सेकंड नंबर के ऊपर जो टीम है वो, अगर आप पीएसएल के फैन हैं और पीएसएल के सारे सीजन्स को फॉलो करते रहे हैं तो आप हैरान हुए बगैर नहीं रह सकेंगे कि दूसरी टीम कोई और नहीं बल्कि आपकी लाहौर कलंदर्स की टीम है। अनप्रडिक्टेबल टीम जो कि टीम ग्रीन के कलर्स में होती है, और उनकी बैटिंग कारकर्दगी भी टीम ग्रीन से कोई ढकी छुपी नहीं है और कोई मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन लाहौर कलंदर्स की टीम दूसरे नंबर पर है। ये दो टीमें जो है वो खेलने जा रही हैं क्वालिफायर। अभी आखिरी मैच पर पोजीशन कुछ वाजिया हो जाएगी, लेकिन अभी दिखता ये है अभी तक की सूरत हाल से कि ये क्वालिफायर्स खेलेंगी और एलिमिनेटर्स खेलेंगी टीमें, वो पेशावर जर्मी की टीम और शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, कोटा ग्लेडिएटर्स की चैंपियन टीम सरफराज अहमद और विव रिचर्ड्स की। कोटा ग्लेडिएटर्स जो है वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है नेट रन रेट की वजह से, अब वो इस पीएसएल का क्वालिफायर्स का हिस्सा नहीं बन पाएगी। और कोटा ग्लेडिएटर्स की जो शिकस्त है उसमें उनका साथ दे रही है बॉटम ऑफ द टेबल बदकिस्मत टीम वसीम अकरम, जिस टीम के कोच हैं और बाबर आजम जिस टीम के कोच हैं, आप हैरान हुए बगैर नहीं रह सकेंगे कि वो टीम कोई और नहीं बल्कि कराची किंग्स की टीम है। कराची किंग्स जो है भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, लेकिन बाहर होने से पहले वो एक रिकॉर्ड अपने नाम करना बिल्कुल भी नहीं भूली। लाहौर कलंदर्स की लगातार 6 ऑन द ट्रॉट का जो रिकॉर्ड था वो उन्होंने अपने नाम किया, ना सिर्फ नाम किया बल्कि उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया और 2 मजीद लॉसेस से उसको इम्प्रूव किया, और 8 ऑन द ट्रॉट का एक नया पीएसएल का रिकॉर्ड भी कराची किंग्स के साथ है। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरी दोस्त। आज की फीड जो मुख्तसर फीड आपके सामने जा रही है, इसका मकसद ये नहीं था कि आपको एचपीएल पीएसएल 7 की टॉप टीम्स के बारे में बताया जाए या क्वालिफायर्स के बारे में बताया जाए। उसके बारे में मैं अगला प्रोग्राम जल्दी आएगा जिसमें आपको बताएंगे क्वालिफायर्स में जो टीमों की पोजीशन, उनके पास्ट रिकॉर्ड्स, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और फन फैक्ट्स। आज का जो मेरी जो फीड है उसका मकसद है आपको एक तवज्जो दिलाना एक वाकये की जानिब जिसने पीएसएल को हिला के रख दिया। आज से पहले मैंने भी किसी फ्रेंचाइज के अंदर और किसी पीएसएल के अंदर किसी और प्रीमियर लीग के अंदर ऐसी पोजीशन नहीं देखी। जी हाँ, शायद आप जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले एक नामी गिरामी ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर जेम्स पीटर फॉकनर, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ये तस्मानिया से खेलते हैं। अंडर 19 और स्कूल के जमाने से ये तस्मानिया में पैदा हुए। ही वॉज बॉर्न इन जून 1990 और ये तस्मानिया से खेलते रहे। लेकिन आपने सुना होगा नाम के मशहूर मारूफ गाना 90s के, जो लोग हमारा चैनल देख रहे हैं वो जानते होंगे, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा क्या काम करेगा। उनके वालिद मोहतरम पीटर फॉकनर भी नामी ग्रामी ऑस्ट्रेलियन थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का एजाज हासिल है इनको ऑस्ट्रेलिया की जानब से। लेकिन बाप के नक्शे कदम पे बेटा भी क्या खूब चला।
पीटर फॉकनर जो है ऑस्ट्रेलिया की जानव से क्रिकेट खेलते थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, उसी दौरान उनको 86-87 में रेबल टूर करने का मौका मिला साउथ अफ्रीका की जानब। साउथ अफ्रीका का ये वो जमाना है जब साउथ अफ्रीका के ऊपर पाबंदी थी क्रिकेट खेलने पे। साउथ अफ्रीका की जानब से वो क्रिकेट खेलने गए तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने उन पे ताहयात पाबंदी लगा दी। उन्हीं के साहबजादे जेम्स पीटर फॉकनर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा बने। भारत के खिलाफ एक मैच में 2012 में उनको कैप दी गई ऑस्ट्रेलिया की जानब से, और उसके बाद उन्होंने क्या खूब नाम बनाया वर्ल्ड कप के अंदर, फाइनल के अंदर, ग्रैंड फिनाले के अंदर 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में वो मैन ऑफ द फाइनल भी करार पाए। उसके बाद वो मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस से खेलते रहे, हत्ता कि उनका जो टकराव हुआ वो पाकिस्तान सुपर लीग से हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग में वो लाहौर कलंदर से खेलते रहे 2021 के सीजन से, और उसके बाद 2022 के सीजन में इस साल लाहौर कलंदर की बजाय उन्होंने फैसला किया कि वो क्वेटा ग्लेडिएटर से खेलेंगे। ये सारा चीजें मंजर यहाँ पे जेम्स फॉकनर का नाम क्यों आया, क्योंकि जेम्स फॉकनर जो है एक कंट्रोवर्सी जो है उसके अंदर उनका नाम मंजर यहाँ पे आया। और वो कंट्रोवर्सी क्या है कि वो पैसों का मामला हो या खेल का मामला हो या बिड का मामला हो, जेम्स फॉकनर का नाम किसी से ढका छुपा नहीं है। जेम्स फॉकनर को बिडिंग के थ्रू क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने खरीदा लाहौर कलंदर से, और पाकिस्तान सुपर लीग को इस वक्त वो अपनी टीम क्वेटा ग्लेडिएटर को, जो वैसे ही बाहर हो चुकी है, लेकिन क्वेटा ग्लेडिएटर्स को वो बीच मैदान में छोड़ के भाग गए, जो कि ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का तर्ज अमल रहा है। माजी में हमने देखा है कि वो कंट्रोवर्सीज में रहते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स। जेम्स फॉकनर जो है जब इस पीएसएल को खेलने आए तो दूसरे प्लेयर्स की तरह इनको भी उसी रूल का सामना था कि जब पेमेंट के मसाइल सामने आते हैं तो अमूमन 70% पेमेंट जो है आपको पीएसएल से पहले की जाती है, और जो बाद का 30% होता है वो पेमेंट जो आपको की जाती है वो पीएसएल या कोई भी टूर्नामेंट फ्रेंचाइज के जो टूर्नामेंट होता है उसके खत्म होने के 40 दिन के अंदर अंदर अगली पेमेंट उनको की जाती है। जेम्स फॉकनर के मैनेजर, अमूमन जब प्लेयर्स को ये रकम दी जाती है तो ये रकम प्लेयर्स को हाथ में नहीं दी जाती बल्कि उनके बैंक अकाउंट में मुंतकिल की जाती है, और इसका फैसला कौन करता है, उनके मैनेजर्स, वो उनके कॉरेस्पॉन्डेंट होती है। इसी तरह जेम्स फॉकनर के मैनेजर जो है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो फ्रेंचाइज है उनकी क्वेटा ग्लेडिएटर्स उनसे रब्ता किया, और टूर्नामेंट से पहले उन्होंने इनका एक इंग्लिश अकाउंट दिया जो ब्रिटिश अकाउंट था। उन्होंने कहा कि ये ऑफशोर अकाउंट जो है ब्रिटिश अकाउंट में इनकी रकम मुंतकिल की जाए, जेम्स फॉकनर की रकम जो है वो वहां पर 70% जो उनकी फी थी वो मुंतकिल कर दी गई। और जब खेल बीच में पहुंचा तो जेम्स फॉकनर के मैनेजर ने और जेम्स फॉकनर ने मुतालबा किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, अचानक ही मुतालबा किया जो बड़ी अनहोनी है कि अब ये मेरा ऑस्ट्रेलियन अकाउंट है वो रकम अब यहां मुंतकिल की जाए। ऑब्वियसली पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, ये रकम रातों रात उस रकम के वापस आने से पहले मुंतकिल नहीं कर सकते और ना ही ये मुमकिन है, और जेम्स फॉकनर वो रकम ले चुके हैं। आई मीन के अगर अब ये वो पेमेंट करेंगे तो ये डबल पेमेंट कहलाएगी, जो किसी जरूरत मुमकिन नहीं है। खेल भी यहीं पर पहुंचा था और जेम्स फॉकनर को समझाया गया कि वो रकम जो है उनके अकाउंट में मुंतकिल की जा चुकी है, तो इट्स अ प्रोसेस, अगर प्रोसेस के तहत वो पीसीबी के पास वापस आती है तो उसके बाद पीसीबी वो जिस चाहे अकाउंट में कहे, ऑस्ट्रेलियन अकाउंट में कहे या किसी और अकाउंट में कहे, वो रकम जो है वो वापस कर दी जाएगी। लेकिन जेम्स फॉकनर जो है वो सबर ना कर पाए, जैसे कि वो उनका एक बिहेवियर वोलेटाइल बिहेवियर है, वेदर इट इज ऑस्ट्रेलिया, वेदर इट इज इंग्लैंड, वेदर इट इज पाकिस्तान, उसी वोलेटाइल बिहेवियर के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को धमकी दी क्वेटा ग्लेडिएटर्स को कि वो बीच मैदान जो है वो फील्ड छोड़ देंगे। बुजदिलों की तरह उन्होंने पीएसएल से भागना जो है वो मुनासिब समझा, और उन्होंने यही अंदिया दिया अपनी टीम को भी बीच मैदान में कि मैं छोड़ के भाग चलूंगा। उन्होंने अगला मैच नहीं खेला, उसके बाद होटल में गए और वहां पर ये पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल जो माल रोड लाहौर के ऊपर वाकया है वहां पर तोड़ फोड़ के जमादार भी करार पाए, पब्लिक जो जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको भी तोड़फोड़ की, और उसके बाद सुनने में यह आया कि अपना बल्ला जो कुकुबरा के बल्ले और बॉल्स है अपनी और हेलमेट, वो आपने देखा होगा कि अगर आप लॉबी में जा रहे हो पर्ल कॉन्टिनेंटल की तो वहां बहुत बड़े बड़े खूबसूरत शैंडलियर, करोड़ों रुपए मालियत के शैंडलियर जो है वहां पर लटके हुए हैं, उसको वहां पर उन्होंने हिट भी किया अपने हेलमेट के थ्रू, और वो फ्रस्ट्रेट हुए थे। और अल्टीमेटली जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको गुड बाय कह दिया, जो कि मैं कहता हूं कि बहुत ही अच्छा एकदम है जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा,
जो भी फॉरेन क्रिकेटर आते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या पाकिस्तानी अवाम हो, उसके सामने बिछे चले जाते हैं। लेकिन यहां पर आपने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया और मेरा सर जो है वो फखर से बुलंद हो गया कि जब मुझे पता लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंस लिया है अलॉन्ग विद द पाकिस्तान सुपर लीग दैट जेम्स फॉक्टर माउथ शुड बी गिवन द शट अप कॉल एट दिस वेरी टाइम एंड ही शुड बी सेंट बैक टू द ऑस्ट्रेलिया इमीडिएटली विद पैकिंग द बैग्स। क्या ही अच्छा होता कि अगर उनको यहां पर सजा दी जाती और यहां पर उनकी मैच फीस की कटौती भी की जाती कि जो उन्होंने वहां पर पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाया है। लेकिन एनी हो, जो होना था वो हो गया। जेम्स फॉक्टन उसके बाद एयरपोर्ट पहुंची और सुनने में यह आया है कि वहां पर एयरपोर्ट पर कुछ फैंस से भी बदतमीजी की है और वहां पर इमिग्रेशन हुकाम को भी इन्होंने वहां पर कोई गंदे इशारे वगैरह किए हैं, उनको कोई गालियां वगैरह भी दी हैं। तो ये इनका करेक्टर देखिए, इनका जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है पीटर फॉक्नर के जमाने से, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का नाम डुबोया अपने रेबल टूर के थ्रू, वही बेटे ने आज से चार दहाइयों के बाद वो कर दिखाया। इंग्लैंड में गए, वहां पर भी इनके खिलाफ चार्जेस हैं रेकलेस ड्राइविंग के और वहां के ट्रैफिक का काम के बारे में, वहां पर भी इनके ऊपर बैन है ड्राइविंग करने के ऊपर, इंग्लैंड की सरजमीन के ऊपर भी, लंदन के अंदर भी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जेम्स फॉक्टन पे ताहयात पाबंदी लगा दी है, अब वो पाकिस्तान सुपर लीग से कभी भी नहीं खेल सकते और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल एक पेज के ऊपर है कि ही विल बी नेवर टेकन इनटू द एनी ड्राफ्ट इन द फ्यूचर एंड ही विल बी किक्ड आउट ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग उनको पहले ही निकाल चुकी है। और जाने से पहले मैं आपको यह जरूरी समझता हूं बताना आपको कि इनके कारनामे इतने ज्यादा हैं, जिनकी तादाद अगर बताऊं तो गिनने में हूं तो शायद खत्म ना हो, मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इनके कारनामे जो है उनकी दास्तान खत्म नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया में ये खेलते थे मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ, उसके बाद ये पुणे से भी खेले, पुणे के बाद ये किंग्स इलेवन पंजाब में भी गए, ये राजस्थान रॉयल्स से भी खेले, इन्होंने बहुत फ्रेंचाइजेस बदली। पाकिस्तान में ये कलंदर से भी खेले, ग्लेडिएटर से खेले, रेनेगेड्स के बाद ये होबार्ट हरिकेन से भी खेले और हरिकेन से खेलने के बाद वहां पर चूंकि उस वक्त ये ताजा ताजा फाइनल जीत के आए थे तो इनकी बिड काफी ज्यादा थी। जब सेकंड सीजन हुआ बिग बैश का, उसके बाद तो वहां पर इनको लो प्राइस में खरीदा गया और वहां पर इनकी ड्राफ्टिंग हुई। तो ये वहां पर बीच में ही इन्होंने वहां पर भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और इन्होंने धमकियां दी और होबार्ट हरिकेन्स को इन्होंने ब्लेम किया कि दे आर डूइंग द लो बॉल गेम विद जेम्स फॉक्नर और इन्होंने वहां पर भी खेलने से इनकार किया। हालांकि तस्मानिया ने बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स पैदा किए हैं, आपको याद होगा 80 की दिहाई में पाकिस्तान आया करते थे डीन जोन्स के साथ और जेफ मार्श की ओपनिंग साथ ही डेविड बून का ताल्लुक भी इसी तस्मानिया और इसी इसी शहर से है। लेकिन इनका तर्ज मिजाज कुछ काफी मुख्तलिफ पाया और उन्होंने क्या खूब नाम रोशन किया तस्मानिया का भी और ऑस्ट्रेलिया का भी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का भी। और क्या ही भले अपने जो पर्सनैलिटी और अपना जो उन्होंने करेक्टर्स दिए अपने फैमिली के, वो भी क्या खूब है। एनी हो, ये सब बताने का मकसद आपको यह था कि कई लोगों को मालूम नहीं था कि जेम्स फॉक्नर कहाँ है और कहाँ चले गए हैं और कहाँ जा चुके हैं। तो दिस इज द स्टोरी कि जेम्स फॉक्नर स्टोरी इज फिनिश फ्रॉम द कोटक ग्लेडिएटर्स, ही विल नो मोर बी इन द पाकिस्तान सुपर लीग। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो दोबारा एक और फीड देंगे और जू ही अब शुरू होंगे क्वालिफायर्स, एलिमिनेटर्स, एलिमिनेटर टू और ग्रैंड फिनाले। मैच पॉइंट की टीम आपके साथ एक दफा फिर होगी और आपको ताजा तरीन सूरत हाल बताएंगे हेड टू हेड इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेज पेशावर जलमी, जहां पर एक ओल्ड रिवलरी सामने आएगी 8-7 की। और इसी तरह मुल्तान सुल्तान वर्सेज द जॉइंट्स ऑफ लाहौर कलंदर्स, जहां का पेस अटैक वर्सेज रिजवान की बैटिंग और रिजवान का फिनोमेना सामने आएगा मुल्तान सुल्तान का। बिग मैचेस टू कम इन द पाकिस्तान सुपर लीग। स्ट्रेट ट्यून टू द ग्रेटेस्ट एम्पायर डॉक्टर दान सेज यू गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। That is Australia's joy and England's.